Assalamu alaikum students, welcome to the second unit. Today we are going to read unit 2. We need to pay attention to the first section of the lesson, that is pre-reading. Here it is. The first question is, can anyone define empathy? Empathy, what is empathy? We are going to read in the second line. It's defined over here. Empathy is the ability to understand and share the feelings of another person. See, to understand and to feel another person's feeling, to share and to understand another person's feeling is called empathy. Okay, reading. When I was in 5th grade, जब मैं पांचवी जमात में था, पांचवें दर्जे में था, वन डे माय टीचर सेड, एक दिन मेरे उस्ताद ने कहा, अ न्यू बॉय नसीबुल्ला इज़ कमिंग टू आवर क्लास टुमारो, एक नया लड़का नसीबुल्ला आ रहा है हमारी जमात में कल. आई वॉज़ ग्लैड, मैं खुश था. आई होप, मैं उम्मीद करता था द न्यू बॉय नसीबुल्ला, नया लड़का नसीबुल्ला, वुड बी समवन रियली गुड, कोई एक होगा बहुत अच्छा. नया लड़का नसीबुल्ला कोई एक बहुत अच्छा लड़का होगा. देन माय टीचर सेड, फिर मेरे उस्ताद ने कहा, आवर न्यू स्टूडेंट इज़ वेरी स्पेशल किड, हमारा नया तालिबेलम बहुत ख़ास बच्चा है. ही कांट वॉक, वो चल नहीं सकता, सो ही यूज़ अ व्हील चेयर, तो वो इस्तेमाल करता है एक व्हील चेयर. आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी काइंड एंड जेंटल टूवर्ड्स हिम, मैं चाहता हूँ तुम सबको के सब बहुत मेहरबान और नरम मिजाज रहें उसकी जानिब, टूवर्ड्स द स्पेशल चाइल्ड, टू मेक हिम फील एट होम, के उसे महसूस हो घर की तरह. आई वॉज़ अ लिटल स्केर्ड, मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, बिकॉज आई हैड नेवर नोन अ पर्सन, क्योंकि मैं कभी नहीं जानता था एक शख्स को इन ए व्हील चेयर, जो एक व्हील चेयर में हो. व्हील चेयर बेटा, इस चेयर को व्हील चेयर कहते हैं जिसके व्हील्स हों, और ये स्पेशल लोगों के लिए, माजूर लोगों के लिए इस्तेमाल होती है. दोज हु कांट वॉक यूजेज अ व्हील चेयर टू गो हेयर और देयर. तो कह रहा है कि मैं नहीं जानता था किसी भी एक ऐसे शख्स को जो इससे पहले जो व्हीलचेयर इस्तेमाल करता हो. व्हेन आई वेंट होम दैट डे, जब मैं उस दिन घर गया, आई टोल्ड माय डैड, मैंने अपने वालिद साहब को बताया, अबाउट द न्यू बॉय, नए लड़के के बारे में, कमिंग टू आवर क्लास, जो हमारी जमात में आ रहा था. माई फादर सेड, मेरे वालिद साहब ने कहा, जस्ट बिकॉज ही इज़ इन अ व्हील चेयर, सिर्फ क्योंकि वो एक व्हील चेयर में है, डजेंट मीन, का मतलब ये नहीं है, ही इज़ एनी डिफरेंट फ्राम द रेस्ट ऑफ यू, कि वो बाकी सब से मुख्तलिफ है. ही प्रोबेबली जस्ट नीड सम स्पेशल हेल्प, वो शायद चाहता है, उसे ज़रूरत होगी कुछ ख़ास मदद की, वंस इन अ वाइल, कभी कभार. आई थॉट, मैंने सोचा, दैट मेड सेंस, कि इस बात को अकल मानती है जो वालिद साहब ने कही, दैट ही जस्ट नीडेड सम हेल्प, कि उसे कुछ मदद चाहिए होगी. ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त उसको मदद चाहिए होगी और हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, नहीं. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द न्यू स्टूडेंट नसीबुल्ला केम टू आवर क्लास, नया लड़का नसीबुल्ला हमारी जमात में आया, लुकिंग हैप्पी, जो नज़र आ रहा था खुश एंड एनर्जेटिक, और तवानाई से भरा हुआ. The teacher welcomed him to the class and said, उस्ताद ने उसे खुशामदीद कहा जमात में और कहा, We are very happy to have you in our class, हम बहुत खुश हैं तुम्हें अपनी जमात में पाकर.
देन वी ऑल इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स, फिर हम सब ने अपना तारुफ करवाया। आई वॉज क्यूरियस, मुझे तजस्सुस था अबाउट नसीबुल्ला, नसीबुल्ला के बारे में, एंड सो वॉज एवरी वन एल्स, और इसी तरह हर कोई तजस्सुस में था।